फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शाश्वती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज है थर्सडे और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से. और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. मेरा इंडिया जाना अब ज़्यादा दिन नहीं है और कुछ ही दिनों में मैं जाने वाली हूँ. तो तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं लास्ट ब्लॉग जहाँ एंड की थी वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. कॉलेज से आने के बाद मैं यहाँ आरुष को लेने आई हूँ और ये आरुष को लेके मैं जा रही हूँ घर. बीच में उसे स्मिथ जो बुक स्टोर है वहाँ से अपना बुक लेना है. मैं आपको एक ब्लॉग में दिखाई थी आरुष को एक टिकट मिला था ऑल सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए, तो जिससे वो एक बुक ले सकता है. तो इसीलिए वो एक बुक लेने आया है. तो वो पूछ रहा है कि कहाँ से लूँ. फिर वो आ गया है अपने सेक्शन में. वो स्टोरी बुक लेगा. वो तो अपना बुक सिलेक्ट कर रहा है. तब तक चलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैं आरुष को GCSE का जो प्रिपरेशन कहाँ से कराती हूँ. आप में से बहुत किसी ने मुझसे पूछा था कि GCSE का प्रिपरेशन कैसे कराती हूँ. तो आरुष क्योंकि ईयर 8 में है तो मैं KS3 ईयर 8 में आता है, मतलब ईयर 8, 7 और 9 तीनों KS3 में आता है. तो ये KS3 का ये बुक्स मैं आरुष को कराती हूँ. इसमें फंडामेंटल करा रही हूँ और इसी में आगे चल के KS4 में ये आपको कराना होगा. ये है कंबाइंड साइंस जिसमें तीनों साइंस होंगे, हाँ, और एक होगा ट्रिपल साइंस. ट्रिपल साइंस में ये बुक आएगा जिसमें आपको अलग अलग से बुक्स आएंगे, जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह. और इसके अलावा भी मैं उससे कुछ वर्कशीट्स कराती हूँ, वो भी मैं किसी दिन शेयर करूँगी. और ये वो बुक्स ले रहा है लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर पोस्ट ऑफिस है तो मुझे उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं होगा. तो मैं थक गई थी, मैं आके बाहर आरुष का वेट कर रही हूँ. ये आ रहा है आरुष और वो मुझे दिखाया कि वो कौन सा बुक लिया. तो मैं बोली बहुत अच्छा और वो भी खुश है क्योंकि बच्चे कोई भी बुक ले वो अच्छा हो या उनके पसंद का ही होता है तो खुशी होना चाहिए. ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, थर्सडे का, जब आरुष रात में जग के ये प्रोजेक्ट बनाया है. और दोनों बाप बेटा मिलके प्रोजेक्ट तो बनाए हैं पर घर को बहुत गंदा किए हैं. मैं थोड़ा कटिंग करके सो गई थी तो ये सारा चीज़ आरुष ने किया है. और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये आरुष के स्कूल के तरफ से दूसरे स्कूल के कंपटीशन के लिए जा रहा था. अब थर्सडे इवनिंग है, अनिल का ऑफिस बंद हो गया है, आरु स्कूल से आ गया, उसको खाना वाना खिला के मैं यहाँ आ गई हूँ मार्केट. और ये मैं जा रही हूँ, लास्ट टाइम आप लोगों को मैं जो दिखाई थी स्टेशन के पीछे, और ये जो घर आप लोगों को दिखता है ना लाल नील हरा पीला, ये सब है रिफ्यूजियों के लिए बना हुआ है. और ये देखिए वॉल्केनो जैसा कितना अच्छा बना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. कभी भी इस तरह से नाइट व्यू मैं नहीं देखी थी. आज इधर से आ रही हूँ तो मैं सोची कि अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो ये मैं स्टेशन के पीछे से आ रही हूँ और काफ़ी सुनसान हो गया है जबकि टाइम अभी हो रहा होगा 6:30 या 6:45. तो ये आ गया स्टेशन. और ये है हमारा छुक छुक ट्रेन जो खड़ा है सिर्फ इसलिए कि कितने ही सवारियों को जो पूरे दिन थक के अपने घर में जाने के लिए तैयार हैं उन्हें बैठा के उनके घर तक पहुंचाएंगे. तो ट्रेन यहाँ हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या देश के किसी भी कोने में हो, के देखते ही एक दिल को एक रिलैक्स सा होता है कि अब सारा दिन का थकान के बाद मुझे बैठ के अपने घर पहुंचना है. और घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
आज मैं सोची थोड़ा देर बाहर निकलूँ और हो गया है काफ़ी शाम और रात हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है, फिर भी हम निकले क्योंकि आरुष को लेके आना था, उसे खाना देना था, उसके बाद हमें निकलना था। और ट्यूसडे वेनसडे के बाद ना थर्सडे, आज सुबह से मेरा तबीयत बहुत अच्छा नहीं था, मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी और तबीयत भी ठीक नहीं था, सिर दर्द था, मुझे माइग्रेन है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो जो मेरे पहले से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं लोगों को, तो मैं इसीलिए मैं बहुत थक गई थी, सिर दर्द था, इसलिए तो मैं दवाई खाई, मेडिसिन ली, जो मेरा रेगुलर मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब्ड वो मेडिसिन ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुई। और फिर आरुष को आज अनिल ही लाने गया था, वो ले आया। और फिर ये है एक मार्केट, और ठीक है फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ आगे और काफ़ी रात है तो आप लोग को शायद पूरा ना दिखे, तो हम कहाँ जाएंगे अनिल नेक्स्ट? ओके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। और इससे पहले मैं H&M गई थी लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं कर पाई कुछ। ओके, तो फिर अभी हम आए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट, और चलिए हम थोड़ा उधर से घूम के आते हैं, ये देखते हैं। यहाँ ना अभी इस वीक से, ईस्टर के लिए इस हफ्ते से ही बहुत अच्छा ऑफर मिला दिया है स्पोर्ट्स डायरेक्ट में, मतलब हर चीज़ में नहीं लेकिन हाँ स्पोर्ट्स का जो सामान है उस पे और भी कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे ये सब में कोई ऑफ़र नहीं है। ये ट्रैक पैंट्स हैं और यहाँ जो कलर मिलता है ना, तो मुझे तो सुबह से अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो एक झलक मैं खुद को भी देख ली। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और ये देखिए ये पैंट, ये 23 pounds का है। और आगे देखते हैं ये सारे ठंड का है। और आगे बढ़ें, ये पैंट भी अच्छा है, यहाँ पे आपको सारे वैरायटी मिल जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा स्टॉक होता है। ये 2 for 35 था शायद, ये 2 for 55 है, मतलब वही 6,000 में दो। और ये सारे कलर्स देखिए, कुछ हुडीज़ में 50% ऑफ था लेकिन हाँ ब्रांड पे डिपेंड करता है, जैसे ये सारे ब्रांड्स में कोई ऑफ़र नहीं है। ये देखिए कुछ बैग है जो आपको छोटा मोटा सामान लेके पीछे टांग सकते हैं। ये कुछ जैकेट्स हैं फायर ट्रैप के, फायर ट्रैप एक अच्छा ब्रांड है, मुझे फायर ट्रैप लंदन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका सामान बहुत अच्छा होता है, मतलब पैसा खर्च कर सकते हैं इस पर, थोड़ा मतलब नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते लेकिन हाँ अच्छा है, इसका सामान अच्छा रहता है। जो भी आप टी शर्ट ले रहे हैं, पैंट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। अब ये देखिए कुछ टी शर्ट्स, आइए चलिए कैप देखते हैं, बहुत कोई कैप का शौकीन होता है, जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों को ही कैप बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं हर एक कलर का कैप, ये तो मेन के लिए है, वुमेन के लिए नहीं है, फिर भी हम थोड़ा एक झलक देख लेते हैं। ये मुझे रेड जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, वाइट भी काफ़ी अच्छा लगा, ये नाइकी का ब्लैक भी अच्छा है। इधर है सबका रेट अलग अलग है और रेट मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये जैक विल्स का है और ये ना फायर ट्रैप का, ये पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा, और पिंक नॉर्मली मुझे तो नहीं दिखा कभी भी इस तरह का लाइट पिंक, और ये काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, ये काफ़ी सारे पैंट्स है, ये वाइट कलर का एक हाफ पैंट है जो अच्छा लगा, ये इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, इसमें ब्लैक ब्लू हर कलर था, हर क्रीम कलर का भी था। और इसका प्राइस है
60 पाउंड, मतलब वही 6600 के करीब। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। और ये आगे टी शर्ट्स देखिए। आगे बढ़ते हैं और आगे ऑफ़र है कुछ, इनमें थोड़ा सा लगता है मुझे अच्छा ऑफ़र होगा। और ये देखिए ट्रॉली, ये मिक्की माउस वाला, मिक्की माउस का, डिज्नी मिक्की का है। और इसी तरह काफ़ी ट्रॉली में ट्रॉलीज़ हैं यहाँ पे। तो आप अगर स्पोर्ट्स डायरेक्ट आते हैं तो एक ही दुकान में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शूज़ से लेके, कपड़ा से लेके, ट्रॉली, कैप, बॉटल्स, स्पोर्ट्स के जितने सामान हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये कुछ पैंट्स हैं, देखिए जीन्स है यहाँ पे, और ये ली कूपर का है जीन्स। आगे बढ़ते हैं और ये है किड सेक्शन। यहाँ पे 0 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 3 to 4 years के बच्चों से ले करके 15 years तक के बच्चों का कपड़ा आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, और एक ही यहाँ पे, एक ही सेक्शन, एक ही जगह पे 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक तरफ लड़कियों का गर्ल्स, एक तरफ बॉयज़ सेक्शन। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, इसमें से कुछ जैकेट्स मुझे अच्छे लगे। अब आगे बढ़ते हैं, इधर थोड़ा बहुत स्लीपर और ऐसे घर में पहनने के कुछ स्लीपर्स रखे हुए हैं। इधर चलते हैं, इधर शूज़ का सेक्शन है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उधर। और इधर आते हैं, ये जो छोटे वाले अभी आजकल चले हुए हैं ना पर्स, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा या फ़ोन आप रख सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है। आप में से किसी को पसंद है, लेना है तो आप आके ले सकते हैं। और यहाँ थोड़ा कलेक्शन था कैप का। इसके आगे चलिए ऊपर चलते हैं, और ऊपर गर्ल्स सेक्शन है और स्पोर्ट्स का है। तो आज गर्ल्स की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब वुमेंस की तरफ नहीं जाएंगे, चलिए जल्दी जल्दी हम देखते हैं स्पोर्ट्स का तरफ। ये गर्ल सेक्शन को पार करते हुए हमें जाना होगा। देखिए फुटबॉल का अलग एक ड्रेस होता है, क्रिकेट का अलग। तो ये यहाँ पे आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये मैनचेस्टर का क्या है कप, अच्छा लग रहा है ना, ये 12.99 का है, वही 1300-1400 के करीब होगा ये कप। अच्छा इधर ना, अच्छा ऑफ था। ये देखिए स्विमिंग का सामान यहाँ पे है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पाइडरमैन वाला। आरुष के पास इसका पूरा किट है तो अभी मुझे नहीं चाहिए, पर हाँ यहाँ कलेक्शन अच्छा है ये तो बोलना ही होगा। और ये स्विमिंग का कुछ ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स, ये देखिए थोड़े बड़े जो हैं उनके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ये। यहाँ काफ़ी वैरायटी है, और ये मेन के लिए है या बच्चों के लिए है। ये जो वाटर ड्राइव करते हैं, पानी के अंदर तक जाते हैं, ये उनके लिए है। ये रबड़ के बने होते हैं, और ये बिल्कुल क्यूट क्यूट छोटे छोटे छोटी बच्चियों के लिए है। ये बहुत प्यारा लग रहा था, और बेबी पिंक में था तो ये और प्यारा लग रहा था। ये 2 for 23 था इस साइड का, उस साइड में कोई ऑफर नहीं था। और ये स्विमिंग का ही ये शूज़ है। यहाँ ग्लव्स है। और इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स में, ये गोल्फ, गोल्फ खेलने के लिए ये गोल्फ स्टिक है। और इसमें काफ़ी वैरायटी है, अलग अलग ब्रांड्स के थे, और अच्छा था, मुझे लगा मेटल का था, पता नहीं। और उसके बैग भी साथ में है। और ये बैडमिंटन या टेनिस रैकेट होगा, दोनों है। और इधर थोड़ा बॉल था उसी का, टेनिस बॉल या फिर पता नहीं बास्केट, बैडमिंटन या फिर टेनिस खेलने के लिए जो बॉल लगता है। ये क्रिकेट का यूनिफॉर्म है,
कि बास्केटबॉल है खेलने के लिए और शायद ऊपर हॉकी स्टिक था कि एक झलक मैं सॉक्स के शूज़ के तरफ देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और इधर कुछ टी शर्ट्स था और इधर है हॉकी स्टिक क्रिकेट का सामान। तो ऊपर तक हॉकी स्टिक अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग कलर का, अलग अलग डिज़ाइन का देखिए, और इधर क्रिकेट का ये पैड है, ये ग्लव्स है, बॉल है, ये अलग अलग तरह के ग्लव्स हैं और ऊपर कैप भी है, शूज़ भी है और पूरा किट भी है पैकेट बैग के साथ। ये बैट है, कुछ बैट में ऑफ़र भी है, ये 57 पाउंड का था, मतलब वही 6,500 के करीब, वही 6,000 कुछ होगा। तो वो थोड़ा मतलब मुझे उतना क्रिकेट का बैट का अंदाज़ा नहीं है कितना का आता है, पर हाँ अच्छा था। और ये देखिए ग्लव्स, ये है फुटबॉल या शायद वॉलीबॉल, आरुष फुटबॉल में है और रग्बी में है, तो रग्बी का बॉल अलग होता है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ योगा मैट है और भी सारे बैग्स है जिसमें आप सारा सामान लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी शूज़ आपको दिखेगा वो नॉर्मल नहीं है, वो सारे शूज़ स्पोर्ट्स के लिए ही है। ये रग्बी का है शायद, ये रग्बी का है और आरुष ये साइजेस में आता है 1, 2, 3, 4, जैसे बास्केटबॉल का साइज़ होता है वैसे ही। तो आरुष रग्बी क्लब में है स्कूल में, तो वो खेलता है। और ये सेक्शन है शूज़ का, नीचे अलग सेक्शन है। इसके साथ ही मैं बाहर आ गई और आप देख सकते हैं कितना सुनसान हो गया है, अभी 8 भी नहीं बजा है और काफ़ी सुनसान हो गया है रास्ता। मैं यहाँ फ़ोटोज़ ले रही थी और अनिल मुझे बोल रहा था कि काफ़ी रात हो गया, अब जल्दी जल्दी हम घर चलते हैं। तो देखिए चारों तरफ का व्यू देखिए, एक इंसान आपको नहीं दिखेगा। अभी 8 भी नहीं बजा है और लगेगा कि रात का 12-1 बज रहा है। इंडिया में ऐसे ही ऐसा अंधेरा और ऐसा सुनसान ना रात के 12-1 बजे के करीब होता है। सच बोलिए तो 10:30-11 बजे भी लोग दिखते हैं इंडिया में। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और पता है वीकडेज़ में ज़्यादा यहाँ शांत होते हैं लोग, क्योंकि वीकडेज़ में लोग जल्दी सो जाते हैं। सुनसान गलियाँ तो नहीं, सुनसान रोड। और यहाँ पे बड़े बड़े घर, होटल। तो इसके साथ भी हम भी अपना पूरे दिन का जो थकावट था वो सब कर लेके और जितना भी शॉपिंग हुआ वो सब लेके घर को चले। चलिए फिर चलते चलते बात करते हैं। और मैं और अनिल घर के तरफ रवाना हो गए हैं और आगे चलिए बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं आपको क्या, और ये है व्यू देखिए। तो यहाँ तो हम बहुत बार आए हैं, आप लोग देखे होंगे ये सारी जगह। तो अब जो जो लेना था वो सब ले ही चुकी हूँ, थोड़ा बहुत मैं टेंट्स भी ली और अब जा रही हूँ मैं घर वापस। बहुत सुनसान लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, यहाँ ऐसे ही सुनसान हो जाते हैं क्योंकि लोग 5-6 बजे तक वीकडेज़ में ना 5 बजे तक 5:30 बजे तक खा पी के सो जाते हैं, मैक्सिमम 6 बजे। तो इसीलिए, और अभी टाइम हो रहा है 8 भी नहीं बजा है टाइम है, क्योंकि अभी तक शॉप बंद नहीं हुआ है, तो इसीलिए ठीक है। फिर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर 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 आप लोग
कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। आज के ब्लॉग में आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो मैंने सारा कुछ, मतलब जैसे मैं स्पेसिफिक कोई एक चीज़ पे करती हूँ, आज मैंने बहुत चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके किया है, क्योंकि आज मेरा यूके में लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो मैं इंडिया जा रही हूँ तब का होगा। तो इसीलिए इस ब्लॉग में मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने GCSE के बारे में पूछा था, उसके कैसे पढ़ाती हूँ उसके कोर्स के बारे में, तो मैं पूरा ब्लॉग तो नहीं कर पाई पर मैं थोड़ा सा उसका दिखाई हूँ। मेरी फ्रेंड सुदेशना बहुत पहले मुझे बोली थी कि शॉपिंग का करने के लिए, मैं थोड़ा सा उसे भी कवर की, थोड़ा सा स्पोर्ट्स को कवर की, थोड़ा सा कपड़ों को, थोड़ा सा मार्केट को, सारी चीज़ें स्कूल को, सारी चीज़ों को करते हुए, और थोड़ा खिचपिच भी हो गया उसी में, लेकिन फिर भी मैं ट्राई की कि, और आप बिलीव नहीं करोगे मैं कितना थकी हुई हूँ। ये जो आपको मेरे चेहरे पे चमक दिख रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इंडिया जाने वाली हूँ, इसलिए नहीं तो मैं सीरियसली बहुत थकी हुई हूँ। और फिर भी मेरे दिमाग में था कि मुझे सबका कवर करना, मतलब सब जो जो मुझे बोले हैं वो थोड़ा सा भी हो तो मैं बताऊँ दिखाऊँ, तो इसीलिए मैं सब कुछ को लेते हुए और दिखा के गई कि जब मैं अपने देश जाऊं तो ये सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं जिन्होंने मुझसे कुछ मांगा, जो मुझे समय देते हैं वो मैं कर पाई। और इसके बाद मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर आज का ब्लॉग में आज मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।